वेलकम टू माय चैनल। हेलो फ्रेंड्स, आज का रेसिपी है भेज पुलाव, जो आसान तरीका से बना हुआ है। खाने में टेस्टी है, सॉफ्ट है, डिलीशियस है। एक बार ट्राई करके देखें बनाकर। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें। एक कटोरी बासमती चावल है। चावल को धोइए, 3-4 पानी से धोएंगे चावल को। चावल को हमने धो लिया है फ्रेस से। 4 चम्मच घी है, घी पिघल चुका है। 1/2 चम्मच जीरा है, 1 तेज पत्ता है, 1 दालचीनी है, 1 बड़ी इलायची है, 2 छोटी इलायची है, 5 काजू है, 2 प्याज है, लंबे आकार में कटा हुआ, 4 चम्मच फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम में कुक करेंगे और चलाते रहेंगे। प्याज फ्राई हो गया है, एक छोटा कटोरी बीन्स डालेंगे। एक छोटा कटोरी चावल डालेंगे। ग्रेवी डालेंगे। साफ आठ टुकड़ा ग्रेवी में हरी मिर्च डालेंगे। नमक स्वाद अनुसार 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। इन सब्जी को फ्राई करेंगे। सब्जी फ्राई हो गया है, 2 चम्मच हरी मिर्च डालेंगे। चावल डाल के 2 मिनट के लिए इन सब्जियों को फ्राई करेंगे। चावल को 2 मिनट तक फ्राई कर लिए हैं। पानी डालेंगे। अढ़ाई कटोरी पानी डाले हैं। मीडियम आंच पर कुक करेंगे। जिस कटोरी से चावल लिए हैं उसी कटोरी से 2.5 कटोरी पानी डाले हैं। लिड से कवर करेंगे। बॉईल हो चुका है, लिड से कवर करेंगे। भेज पुलाव को चेक करेंगे। थोड़ा पानी और है, 5 मिनट के लिए कवर करेंगे लिड से। 5 मिनट के लिए फ्लेम को लो कर देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं। भेज पुलाव पक गया है और खिला खिला भी है। गैस को ऑफ करेंगे। 5 मिनट के लिए लीड को कवर करेंगे क्योंकि गैस को हमने ऑफ कर दिया है। 5 मिनट हो चुके हैं। भेज पुलाव पक गया है। भेज पुलाव कैसा बना कमेंट करके बताएं।